अब प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। प्रश्न नंबर 5 में है, निम्नलिखित सब समकाएं सिद्ध कीजिए जहां वे कोण जिनके लिए व्यंजक परिभाषित है न्यून कोण है। तो पहला प्रश्न है, सिद्ध करना इनको। देखिए लिखा है कॉसेक थीटा माइनस कॉस्ट थीटा का घात 2 बराबर 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक ना। तो देखिए इसको, ये इसका दायां पक्ष और ये इसका बायां पक्ष है। हम इसका बायां पक्ष लेकर चलते हैं। तो ये लिखा बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में ये है, इसको हम पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर। कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के घात 2 है, ठीक ना। तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले इनको साइन कॉस में बदल लेंगे, ठीक ना। तो कॉसेक है तो ये हो जाएगा 1/sin थीटा, और एक कॉट है तो ये हो जाएगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये हो गया, ठीक ना। कॉसेक का लिखा है 1/sin, कॉट का लिखा है कॉस बटे साइन। अब इसका लघुत्तम ले लेंगे तो देखिए हर बराबर है, तो एक बार साइन लिख लेते हैं, बाकी 1 माइनस कॉस थीटा लिख लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा, ये पूरे के घात 2 है। अब ये घात दोनों को बांट देते हैं, तो ये लिखा 1 माइनस कॉस थीटा के घात 2, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, ठीक ना। और एक सर्वसमिका होती है, देखिए देखिए पहली सर्वसमिका है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। तो अगर हम साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें तो क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर ए बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना। तो साइन स्क्वायर थीटा के स्थान पर हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, थीटा है तो थीटा लिख देते हैं, ठीक ना। ये हो गया 1 माइनस कॉस थीटा के घात 2 बटे, देखिए ये इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर, ठीक ना। तो इसमें फॉर्मूला लग जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब एक बार एक कोष्टक में इसको जोड़ कर लिखेंगे और एक कोष्टक में इसको घटा के लिख देंगे। तो लिखे तो क्या प्राप्त होगा, 1 माइनस कॉस थीटा के घात 2 बटे, तो इसका हो जाएगा, देखिए एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो 1 प्लस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ 2 बार है, यहाँ 1 बार है, तो 1 बार कटेगा तो बचा कितना, 1 माइनस कॉस थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा। तो देखिए ये दायां पक्ष में आ गया है ना, तो दायां पक्ष आ गया, तो हम लेके चले थे दायां बायां पक्ष, दायां पक्ष आ गया। तो इस प्रकार इसके नीचे लिखेंगे, चूंकि बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, दोनों बराबर आ गया, तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना, यह सिद्ध हुआ। तो ये हो गया पहला भाग। अब क्वेश्चन नंबर प्रश्न नंबर 5 का दूसरा भाग देखते हैं। लिखा है इसमें देखिए कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, क्या लाना है, 2 sec a लाना है, ठीक ना। तो इसका हम देखिए बड़ा है, बायां पक्ष बड़ा है तो बड़ा लेके चलेंगे तो छोटा इजी तरीके से आ जाएगा। तो लिखेंगे बायां पक्ष, ठीक ना, इसको LHS भी बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। तो इसको लिख लेते हैं, देखिए कॉस ए बटे 1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक ना। तो इसका देखिए लघुत्तम लेते हैं, तो इनका लघुत्तम यही दोनों हो जाएंगे। तो एक लाइन खींचते हैं, यहाँ लिखते हैं 1 प्लस साइन ए और यहाँ लिखते हैं कॉस ए लिखते हैं, है ना, दोनों ही लघुत्तम हो जाएगा। अब देखिए क्या करेंगे, सीधा सा करें, इसका गुणा इसमें कर लीजिए और इसका गुणा इसमें कर लीजिए, ठीक ना। तो
तो इसका उड़ा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, है ना, कॉस ए कॉस ए कॉस स्क्वायर ए, और इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा वन प्लस साइन ए के घात दो लिख लिया, है ना, सेम दो बार है ये वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, तो घात दो लिख लिया। अब देखते हैं इसका कॉस स्क्वायर ए प्लस, देखिए यक्स प्लस वाई की घात दो का फॉर्मूला लगा लेंगे यहाँ पर, तो देखिए क्या होता है सूत्र, यक्स प्लस वाई के घात दो का फॉर्मूला हो जाएगा यक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस टू एक्स, ये वाई होता है, तो लिखेंगे यहाँ देखिए ये यक्स है ये वाई है, लिखेंगे वन का स्क्वायर प्लस साइन ए का स्क्वायर प्लस टू गुड़े एक्स गुड़े वाई, है ना, टू एक्स वाई बटे वन प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। तो देखिए इसको लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस, इसको साथ में लिख लेते हैं तो जाएगा साइन स्क्वायर ए, ठीक ना, और ये वन का वन, है ना, वन का वन ही रहेगा, एक का वर्ग एक ही होता है, इसका उड़ा इसमें करेंगे तो टू साइन ए आ जाएगा बटे, इसको लिख लेते हैं वन प्लस साइन ए, और ये हो गया कॉस ए। देखिए ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर एक हो जाता है, ये लिखा वन प्लस टू साइन ए बटे वन प्लस साइन ए और कॉस ए, है ना, कौन सा समीकरण लगी यहाँ पर, तो ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। अब देखिए एक और एक दो हो गया, तो लिखेंगे टू प्लस टू साइन ए बटे वन प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया, ठीक ना। अब देखिए इस प्लस के इधर और इस प्लस के उधर टू टू उभयनिष्ठ है, तो हम दो दो उभयनिष्ठ ले लेंगे तो क्या आ जाएगा दो, तो यहाँ बचेगा एक, वन प्लस यहाँ बचेगा केवल साइन ए बटे वन प्लस साइन ए और कॉस ए हो गया, ठीक ना। देखिए दोनों ये सेम है तो इसको काट लेते हैं, तो देखिए क्या बचा दो बटे कॉस ए बचा, इसको ले सकते हैं दो गुड़े एक बटे कॉस ए, है ना, और ये लिख सकते हैं एक बटे कॉस किस क्या होता है तो सेक होता है, तो ये हो गया सेक ए, तो देखिए दायां पक्ष आ गया, है ना, तो ये हो गया दायां पक्ष। फिर लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, तो इसके नीचे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, इति सिद्धम, ठीक ना। तो इस प्रकार दूसरा भाग भी हो गया, अब तीसरा भाग देखते हैं, तो तीसरा भाग में है टेन थीटा बटे वन माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा बराबर क्या लाना है, एक वन प्लस सेक थीटा और कॉस एक थीटा, ठीक ना, टेन थीटा वन माइनस कॉट थीटा वन माइनस टेन थीटा, ठीक ना। इसमें लिखे संकेत में लिखा हुआ है व्यंजक को साइन थीटा और कॉस थीटा के पदों में लिख लीजिए, तो पहले साइन को पहले सिंपल सरल साइन और कॉस में बदल लेते हैं, तो ये टेन हो जाएगा साइन बटे कॉस, साइन बटे ये कॉस हो गया, मेन बटा ये रहा, इसको भी लिखेंगे वन माइनस कॉट है तो क्या लिखेंगे कॉट कॉस थीटा बटे साइन थीटा प्लस, अब कॉस है तो लिखेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और लिखेंगे टेन को वन प्लस वन माइनस है वन माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक ना। तो इसका पहले लघुत्तम ले लेते हैं, तो ऊपर जैसा है सब लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे साइन थीटा बटे कॉस थीटा, मेन बटा ये है, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और पूरे के बटे साइन थीटा प्लस, इसको भी लिख लेते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा,
मीन बटा ये है कॉस थीटा एकम कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, ठीक ना। देखिए बटे के मेन बटा के ऊपर ही बटा नीचे ही बटा, तो क्या करेंगे इसका बाहर बाहर गुणा करते हैं, इसका गुणा इसमें करेंगे और अंदर अंदर गुणा करते हैं। तो बाहर बाहर गुणा करके ऊपर लिखते हैं तो लिखेंगे साइन थीटा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे कॉस थीटा गुणे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, इतना लिख सकते हैं, अंदर गुणा नहीं किए हैं अभी हम। प्लस देखिए इसका भी बाहर बाहर गुणा करेंगे अंदर अंदर गुणा करेंगे तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बटे इसका गुणा इसमें करेंगे तो लिखेंगे साइन थीटा और ये हो गया कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक ना। तो ये हो गया, अब देखिए इसका लघुत्तम ले लेंगे। तो देखिए इसका लघुत्तम देखिए यहाँ पे लिखा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, यहाँ देखिए उल्टा लिखा हुआ है ना, ये कॉस थीटा माइनस साइन थीटा लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए अगर इसका लघुत्तम लेंगे तो इनको भी सही क्रम में ला दें, साइन थीटा कॉस थीटा है यहाँ भी, इसको भी इधर और इसको भी इधर लिख लेते हैं तो देखिए क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये तो लिखा हुआ है ऐसे ही। इसमें क्या करेंगे देखिए जब इसका स्थान बदलेंगे तो ये हमको प्लस का ये माइनस हो जाएगा, ठीक ना। तो बस इसी को ध्यान रखिएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर साइन थीटा और ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक ना, अपना स्थान बदल दिया। तो देखिए सेम हो गया ये, अब इसका लघुत्तम साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। तो देखिए ये लिखा लघुत्तम लेते हैं तो हो गया साइन थीटा कॉस थीटा, ये लघुत्तम हो गया साइन थीटा कॉस थीटा और ये हो जाएगा इन दोनों के बदले एक लिख लेंगे यहाँ पर, है ना, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इस प्रकार इनका ये लघुत्तम हो गया। अब देखिए लघुत्तम आया तो देखिए सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें पहले इससे भाग दिया जाता है, ठीक ना। तो जब आप इसमें से ये ऊपर और ये नीचे लिखा जाएगा, ठीक ना, इसको लिख के दिखा देते हैं। देखिए ये लिखा ऊपर हमने, देखिए साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसमें अगर आप इसका पहले भाग देंगे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, देखिए ये नियम ही होता है लघुत्तम लेते समय, इसमें पहले इससे भाग करते हैं और जो उत्तर आता है उसका ऊपर वाले में गुणा करते हैं। तो अगर देखिए ये ऊपर ये नीचे देखिए भाग दे रहे हैं तो ये कट गया और ये पूरा ब्रैकेट कट गया, क्या बचा साइन थीटा बचा, तो जो अब बच गया उसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा, एक दो तो है ही, एक और साइन थीटा मिल गया तो साइन क्यूब थीटा हो जाएगा, क्यूब थीटा माइनस। इसी प्रकार जब आप इसमें से इस ये ऊपर और ये नीचे रहेगा भाग देंगे तो ये ब्रैकेट कट जाएगा, साइन और साइन कट जाएगा, कॉस बच जाएगा और कॉस गुणा इसमें करेंगे तो कॉस क्यूब थीटा हो जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इसमें एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा तो इसको लिख लेते हैं, क्या फॉर्मूला होता है देखिए यहाँ लिख देते हैं। देखिए ये होगा एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स माइनस वाई एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ठीक ना, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें जहाँ हमको x है वहाँ ये लिखेंगे साइन लिखेंगे और जहाँ y है वहाँ cos लिख देंगे, ठीक ना। तो इस प्रकार ये लिखते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला बिठाते हैं। देखिए यहाँ लिखेंगे x माइनस वाई, तो इसमें x क्या है साइन है और y क्या है cos है, तो लिखेंगे साइन थीटा माइनस cos थीटा एक कोष्टक में और अगले कोष्टक में लिखेंगे इसका स्क्वायर लिखेंगे तो लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस वाई का, तो वाई कॉस थीटा है तो लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एक्स गुणे वाई है तो लिखेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटे और नीचे जो है उसको लिख लेते हैं तो नीचे है साइन थीटा कॉस थीटा और कोष्टक में है साइन थीटा कॉस थीटा लिखा हुआ है। देखिए ये एक ब्रैकेट ये पूरा कट जाएगा इससे, ठीक ना,
ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा पहली सर्वसंख्या लग गई तो यहाँ बचेगा वन प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, जो हर है उसको दोनों को बांट देंगे। देखिए क्या हो जाएगा, एक बटे साइन थीटा कॉस थीटा प्लस, फिर इसको लिख लेंगे साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक ना। जब इसका लघुत्तम लेंगे तो ये वापस प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए एक बटे साइन थीटा एक बटे कॉस थीटा है तो ये तो हो जाएगा, देखिए ये तो कट गया, एक प्राप्त हुआ। एक बटे साइन है तो लिखेंगे कॉसेक थीटा और एक बटे कॉस है तो लिखेंगे सेक थीटा प्लस वन, है ना। एक बटे साइन है तो कॉसेक, ये भी तो बटे में ही कॉस है तो सेक लिख सकते हैं। इस प्रकार देखिए ये दायां पक्ष आ गया, ये हो गया दायां पक्ष, ठीक ना। तो चूंकि लिखे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष तो इति सिद्धम। इस प्रकार प्रश्न नंबर तीन हो गया। चौथा भाग देखते हैं, अब चौथा भाग में है वन प्लस सेक ए बटे सेक ए बराबर साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। देखिए इसको क्या करेंगे, पहले एक बार बायां पक्ष लेके चलेंगे फिर दायां पक्ष भी लेके चलेंगे। तो देखिए पहले बायां पक्ष लिख लेते हैं, देखिए बायां पक्ष तो लिखा वन प्लस सेक ए बटे सेक ए, सेक लिखा है इसको कॉस में बदल दीजिए तो ये लिखा वन प्लस वन बटे कॉस ए, है ना, सेक का एक बटे कॉस होता है, इसी प्रकार एक बटे कॉस ए लिखा, लिख दिया सेक को कॉस में बदल लिया। इसका लघुत्तम लेंगे तो कॉस ए एक कम कॉस ए प्लस एक, अब पूरे के बटे कॉस ए हो गया और मेन बटा ये है एक बटे कॉस ए हो गया, ठीक ना। तो बाहर बाहर गुणा करेंगे, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए और कोष्टक में वन प्लस कॉस ए बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा कॉस ए प्राप्त हो जाएगा। ये कट गया तो ये आ गया वन प्लस कॉस ए, ठीक ना, ये प्राप्त हुआ। अब क्या करेंगे, बायां पक्ष को लेके चले तो कुछ हल प्राप्त हुआ, इसी प्रकार आप दायां पक्ष लेके चलते हैं। तो देखें दायां पक्ष ये है साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस ए, देखिए वन साइन स्क्वायर ए को लिख सकते हैं, देखिए अगर साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, है ना, पहली सब समीका है एक होता है, अगर साइन स्क्वायर ए का मान चाहिए हमको तो लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, है ना, इसको पक्षांतर कर दीजिए तो इसके स्थान पर हम ये लिख सकते हैं, तो लिखेंगे वन माइनस कॉस स्क्वायर ए अब बटे वन माइनस कॉस ए, अब इसमें लगाएंगे एक का स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस कॉस ए का स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना, एक का स्क्वायर एक ही हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए लिखा तो ये लिखा हुआ है वन माइनस कॉस ए। अब इसमें फॉर्मूला लगाएंगे, देखिए यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक ना, तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लगाएंगे तो हो जाएगा यक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखिए ये हो जाएगा यक्स प्लस वाई और यक्स माइनस वाई, ठीक ना। तो मतलब इन दोनों को एक बार कोष्टक में जोड़ कर लिखना है और एक बार घटा के लिखना है, तो लिख देते हैं यहाँ पर एक बार प्लस में लिख देते हैं और एक बार घटा के लिख देते हैं बटे वन माइनस कॉस ए। देखिए सेम चीज़ आ गया कोष्टक में, ये कट गया तो ये आ गया वन प्लस कॉस ए, है ना, देखिए दोनों तरफ सेम आ गया। तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ठीक ना, तो ये हो गया इति सिद्धम, सिद्ध हो गया। तो चौथा भाग हो गया, आप पांचवा भाग देखते हैं। देखिए पांचवा है, लिखा है इसमें कॉस ए माइनस साइन ए
प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। ठीक ना, इसमें लिखा हुआ है सर्वसमिका कॉसेक स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का प्रयोग करना है इसमें। ठीक ना, कौन लागू करना है तो देखिए, पहले हम बायां पक्ष लेके चलेंगे, दायां पक्ष आना चाहिए, नहीं आएगा तो उसको भी लेके हल करेंगे। ठीक ना, तो देखिए लिखते हैं यहाँ पर, देखिए लिखते हैं बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस वन बटे कॉस ए प्लस साइन ए माइनस वन। अब देखिए कॉसेक और कॉट लाने के लिए देखिए अंश और हर के प्रत्येक पद में अगर साइन से भाग दे दिया जाए, ठीक ना, देखिए लिख कर और करके दिखाते हैं। तो लिखते हैं अंश और हर के, अंश और हर के प्रत्येक पद में साइन ए से भाग देने पर, है ना, भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा देखते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए माइनस साइन ए बटे साइन ए एक बटे साइन ए। ठीक ना, भाग दे दिया बटे में, देखिए कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए वन माइनस साइन ए। ठीक ना, सब में साइन ए से भाग दे दिया तो देखिए क्या प्राप्त होगा, कॉस बटे साइन क्या होता है, कॉट होता है, और साइन बटे साइन कट के वन हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया, और एक बटे साइन क्या होता है, कॉसेक होता है बटे। अब देखिए कॉस बटे साइन कॉट हो गया, ये साइन साइन कट के ये वन हो गया माइनस ये कॉसेक हो जाएगा। ठीक ना, अब वन को हम उधर कर लेते हैं तो देखिए क्या बनेगा, कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस वन बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक ना, इसको लिख सकते हैं हम कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, देखिए इस वन को लिख सकते हैं, देखिए ये सर्वसमिका है। ठीक ना, यही सर्वसमिका का प्रयोग करेंगे तो देखिए इसको भी अंदर कर लेते हैं हम, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक लिख सकते हैं, इसको एक के स्थान पर ये लिख सकते हैं। ठीक ना, तो इसको हम यही लिख देते हैं, वन के स्थान पर लिख देख सकते हैं, देखिए कॉसेक ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। ठीक ना, अब देखिए ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पर। ठीक ना, तो इसको मिटा ले, यहाँ लिख देते हैं साइन ए, मतलब पदों में साइन ए से भाग देने पर, से भाग देने पर। ठीक ना, तो इतना हो गया, अब इसमें यहाँ कर लिख लेते हैं, यहीं पर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो ये लिखा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, ये हो जाएगा एक बार प्लस और एक बार माइनस में लिखेंगे, तो लिखेंगे कॉसेक ए प्लस कॉट ए एक ब्रैकेट में और अगले ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस में माइनस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए। अब देखिए इस माइनस के इधर और इस माइनस के इधर देखिए दोनों कॉमन है, तो इसको एक बार लिख लेते हैं,
कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ब्रैकेट में लिख लिया। देखिए यहाँ क्या बचा, वन बचा, माइनस ये पूरा बचा यहाँ पर, तो इसको लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस कॉट ए, ठीक ना। अब बटे ये है तो लिख लेते हैं इसको कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक ना। अब आया ये कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक ना। और इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो माइनस से, इसके ब्रैकेट के पहले माइनस है तो सब चिन्ह बदल जाएगा, वन माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, ठीक ना। तो देखिए ये सेम चीज लिखा हुआ है, कॉट ए कॉट ए माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस वन प्लस वन, ठीक ना। तो सेम लिखा है तो कट जाएगा, तो क्या प्राप्त हुआ हमको, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक ना। देखिए ये आ गया, तो ठीक ना, ये स्थान अपने अपने स्थान पर, देखिए कॉसेक है कॉट है, हमारा यहाँ कॉट है कॉसेक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको चाहे तो आप अगली बार लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक ना। तो ये हो गया हमारा दायां पक्ष, तो ये हो गया, इसको आप लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम, तो ये हो गया आंसर। आप चाहें तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगाए हैं फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम जो फॉर्मूला लगाए हैं, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, ये लगाए थे हम यहाँ पर, ठीक ना। तो इसको हम लिख सकते हैं, और ये जो वन के स्थान पर लिखे हैं इसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं, लिख सकते हैं देखिए कॉस स्क्वायर ए बराबर वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर एक, है ना। तो इसके स्थान पर, एक के स्थान पर हमने ये इसी को लिखा है, ठीक ना। तो इस प्रकार प्रश्न नंबर पाँच का पांचवा भाग हो गया। अब छठवां भाग देख, तो छठवें भाग में लिखा है देखिए करणी में वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए, है ना। ये बराबर ये सिद्ध करना है अपने को, तो लिखते हैं बायां पक्ष, तो देखिए बायां पक्ष में है वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए, ठीक ना। तो क्या करेंगे इसके, देखिए अंश और हर दोनों में इसके परिमेयकरण कर देंगे, तो इसके व्युत्क्रम के मतलब प्लस माइनस है तो प्लस के संग गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ लिख देते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ये तो पहले लिखा है वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए, है ना। इसके गुणे वन प्लस साइन ए, है ना, इसके उल्टा साइन के संग, माइनस है तो प्लस में, वन प्लस साइन ए के संग गुणा किया हमने, तो देखिए ये क्या बना, देखिए वन प्लस साइन ए वन प्लस साइन ए, है ना, दो बार है तो इसको लिख सकते हैं घात दो, वन प्लस साइन ए के घात दो। अब देखिए ये लिखा है एक्स माइनस वाई एक्स प्लस वाई, मतलब सेम चीज लिखा है, एक बार प्लस में लिखा है एक बार माइनस में लिखा है, तो देखिए क्या फॉर्म लगेगा, ये लगेगा एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई बराबर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये फॉर्मूला लग जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ वन का स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर, ठीक ना, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, तो ये हो गया वन प्लस साइन ए का स्क्वायर बटे एक का वर्ग एक माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया, ठीक ना। अब देखिए अगर ये लिखा है पहली सब समीकरण होती है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, तो देखिए अगर कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करने की कोशिश करें तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए प्राप्त होता है, है ना। इसको उधर पक्षांतर कर दिए तो वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं हम, तो यहाँ हम लिख देते हैं वन प्लस साइन ए के पूरे घात दो
बटे ये हो गया कॉस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है, इसके स्थान पर ये लिख सकते हैं। अब देखिए इसकी भी घात दो है और इसकी भी घात दो है, तो कर्णी के से बाहर आ जाएंगे, तो लिखते हैं वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए, है ना, बाहर हो गया। आप कॉस को इस दोनों पर नीचे नीचे अलग अलग कर देंगे, तो यहीं लिख देते हैं एक बटे कॉस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा। तो ये देखिए एक बटे कॉस क्या होता है, सेक ए होता है, और साइन बटे कॉस क्या होता है, टेन ए होता है। तो देखिए अपना दायां पक्ष आ गया, ठीक ना, तो इसको आप इसको नीचे ही लिखते चले जाएगा, ठीक ना। तो फिर लिखा देखिए दायां बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, तो इति सिद्धम, ठीक ना। तो छठवां भाग हो गया, अब सातवां भाग देखते हैं। देखिए सातवां भाग में है साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर टेन थीटा अपने को लाना है, ठीक ना। तो इसको देखिए कैसे करते हैं, लेकिन दोनों पदों में साइन कॉमन है, यहाँ एक बार है यहाँ तीन बार है, तो एक बार तो दोनों में है, तो लिख लेते हैं साइन थीटा बाहर निकाल लिया, इसको पहले लिख लेते हैं बायां पक्ष, बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में इसको पहले लिख लेते हैं साइन थीटा माइनस टू साइन क्यूब थीटा बटे टू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए साइन थीटा दोनों में है, तो इसमें एक साइन थीटा तो बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ क्या बचा, कुछ नहीं बचा, तो एक बचा, यहाँ क्या बचा, दो साइन स्क्वायर थीटा बचा, है ना, एक तो चला गया बाहर, तो तीन का दो बचा। यहाँ पे देखिए दोनों पदों में कॉस कॉस कॉमन है, तो यहाँ लिख लिए कॉस थीटा, यहाँ क्या बचा, देखिए टू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, तीन था तो एक चला गया तो दो बच गया, यहाँ एक था तो वही चला गया तो माइनस वन बचा, कुछ नहीं तो वन बचता है। इसको मैं अलग अलग लिख सकता हूँ, देखिए साइन थीटा बटे कॉस थीटा, ठीक है, ये टेन हो जाएगा, और इसको देखिए लिख सकते हैं वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, और इसके ये देखिए इसको स्थान पर लिख सकते हैं हम, इसको चाहे बदलिए चाहे साइन थीटा को बदलिए, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। कॉस को बदलेंगे तो जाएगा वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, ठीक ना, देखिए कैसे बदला है। देखिए एक सर्वसंख्या होती है पहली साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, ठीक ना। अगर हमको साइन ए कॉस में बदले हैं तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए बराबर वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक ना। तो इसी को कॉस स्क्वायर थीटा के स्थान पर हमने इसी को लिखा है। अब देखिए ये साइन थीटा बटे कॉस थीटा हो जाएगा टेन थीटा, और ये हो जाएगा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए इसका अंदर कोष्टक में गुणा कर देते हैं, तो दो माइनस दो साइन स्क्वायर थीटा माइनस वन, फिर लिखते हैं इसको टेन थीटा वन माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा बटे, देखिए दो में से एक गया, एक माइनस टू साइन स्क्वायर थीटा, देखिए सेम चीज आ गया तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये बचा टेन थीटा, तो ये हो गया दायां पक्ष आ गया, ठीक ना। तो इसके नीचे लिखेंगे बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष, ये हो गया इति सिद्धम, ठीक ना। तो ये हो गया सातवां भाग, अब आठवां भाग देखते हैं। देखिए आठवां भाग में लिखा है साइन ए प्लस कॉसेक ए का स्क्वायर प्लस
कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर बराबर 7 + 10 स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक ना। तो इसका हम बायां पक्ष लेके चलते हैं। देखिए बायां पक्ष, तो बायां पक्ष में ये पूरा है, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। तो लिखिए, लिखेंगे साइन ए प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, इतना लिख लिया। इसमें एक्स प्लस वाई की घात 2 का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक ना। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं, देखिए एक्स प्लस वाई के घात 2 का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, है ना। तो ये फॉर्मूला इसमें भी लगेगा और इसमें भी लगेगा। इसके लिए ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा, और इसके लिए ये एक्स हो जाएगा, ये वाई हो जाएगा। तो देखिए लगाते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, है ना, साइन स्क्वायर ए है तो ए लिखते हैं, प्लस ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए और कॉस ए, ये हो गया प्लस। अब इसमें भी यही फॉर्मूला आते हैं, लिखते हैं कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 कॉस ए सेक ए, ठीक ना। तो इसमें देखिए ये हो गया, इसको और इसको एक साथ लिख लेते हैं तो ये 1 हो जाएगा। तो लिखते हैं साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, एक बार लिख लेते हैं इसको एक साथ, और ये लिखते हैं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए प्लस, इसको लिख लेते हैं सेक स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए इसको हम लिख रहे हैं तो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ 2 साइन ए गुणे, देखिए कॉसेक है तो कॉसेक को हम 1/sin a लिख सकते हैं प्लस, फिर इसको 2 कॉस ए और सेक को लिख सकते हैं 1/cos a लिख सकते हैं। देखिए ये तो मिलकर एक हो जाएगा, सब समीका होती है तो एक लिख लिया, और कॉस स्क्वायर ए का क्या होता है 1 + cot स्क्वायर ए होता है, तो यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं, ये हो जाएगा 1 + cot स्क्वायर ए, है ना, इसके स्थान पर लिखा है 1 + cot स्क्वायर ए, और sec स्क्वायर ए का क्या होता है फॉर्मूला 1 + tan स्क्वायर ए, तो लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर ए प्लस। अब देखिए ये साइन साइन कट जाएगा तो 2 बचेगा प्लस कॉस कॉस बच जाएगा तो ये 2 बचा, कट गया तो देखिए क्या बचा, 2 × 2 = 4 + 5 = 6 = 7, तो लिख सकते हैं 7, और ये लिखा टेन ए टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, तो देखिए दायां पक्ष आ गया दायां पक्ष, ठीक ना। तो इस प्रकार लिख सकते हैं बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष इति सिद्धम। देखिए 9वां भाग देखते हैं अब, तो देखिए 9वां भाग देखते हैं इसका। देखिए लिखा है कॉसेक ए माइनस साइन ए, और अगले कोष्टक में लिखा है सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan a प्लस कॉट ए, ठीक ना, ये लिखा हुआ है। तो हम इसमें क्या करेंगे, बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो लिखते हैं बायां पक्ष, तो देखिए बायां पक्ष ये रहा, पूरा लिख लेते हैं कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए, ठीक ना। इसमें कॉसेक का क्या होता है 1/sin a होता है माइनस साइन ए होता है, ये तो लिखा ही हुआ है, और ये लिख सकते हैं 1/cos a माइनस कॉस ए। अब देखिए इसका लघुत्तम कर लेते हैं, इसका मतलब सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, 1 - sin² a / sin a
गुणे, फिर इसका भी कर लेंगे कॉस 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 स्क्वायर ए बटे कॉस ए, ठीक ना। तो देखिए सब समीका जो पहली सब समीका है उसकी मदद लेंगे। देखिए ये होता है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है। यदि मैं साइन स्क्वायर ए का मान ज्ञात करूं तो क्या आएगा, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए, ठीक ना। और अगर मैं कॉस स्क्वायर ए का मान ज्ञात करूं तो क्या आएगा, वन माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक ना। तो देखिए इसमें वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, वन माइनस साइन स्क्वायर ए लिखा है, तो इसके स्थान पर मैं कॉस स्क्वायर ए लिख सकता हूँ। तो लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर ए कूड़े, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए लिखा है, इसके स्थान पर साइन स्क्वायर ए लिख सकता हूँ बट ए। देखिए ये साइन है और ये कॉस है, ये साइन एक बार इससे कट जाएगा, ये कॉस इससे कट जाएगा। तो देखिए क्या आया, साइन ए कॉस ए आया। देखिए कॉस ए साइन ए लिखे चाहे साइन ए कॉस ए लिखे कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया, ठीक ना। तो बायां पक्ष लेके चले, अब देखिए दायां पक्ष लेके चलते हैं। तो लिखते हैं दायां पक्ष, देखिए क्या है, एक बटे टेन ए प्लस कॉट ए, ठीक ना। तो इसको हल करते हैं, एक बटे देखिए टेन को लिख सकते हैं साइन बटे कॉस, और कॉस कॉट को लिख सकते हैं कॉस बटे साइन, है ना। इसका लघुत्तम ले लेते हैं, देखिए लघुत्तम लेंगे तो क्या आएगा, ये बटे में है, एक बटे लिखिएगा साइन कॉस लघुत्तम हो जाएगा, तो लगेगा साइन ए कॉस ए लघुत्तम हो गया। इसका गुणा इसमें करेंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, तो इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। तो देखिए एक बटे देखिए साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर एक होता है, और ये साइन ए कॉस ए हो गया, ठीक ना। देखिए बटे के बटे में है तो सीधे ये ऊपर चलाएगा, तो इस प्रकार ये प्राप्त हुआ साइन ए कॉस ए। देखिए ये दोनों को बराबर आ गया, देखिए इसका लेके चले थे और ये लेके चले थे, ठीक ना। दाया पक्ष का भी आंसर आ गया, बाया पक्ष का भी आंसर सेम आ गया, तो लिखेंगे बाया पक्ष बराबर दाया पक्ष, है ना, इति सिद्धम। तो ये सिद्ध हो गया। अब अंतिम सवाल बचा है दसवां, उसको देखते हैं। देखिए अंतिम है दसवां भाग, दसवें भाग में लिखा, देखिए वन प्लस टेन ए स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए के घात दो बराबर टेन स्क्वायर ए लिखा हुआ है, ठीक ना। तो देखिए इसमें लिखा है ये दायां पक्ष है, ये बायां पक्ष है, और ये मध्य पद है, ठीक ना। तो मध्य पक्ष हो गया, तो हम पहले बायां पक्ष लेके चलते हैं। तो देखिए बायां पक्ष में है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए, है ना। तो देखिए ये तो सर्व समीका ही है, वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर ए बटे वन प्लस कॉट स्क्वायर ए का कॉस स्क्वायर ए होता है, तो इसको लिख लेते हैं, है ना। क्यों लिखा हमने, तो यहाँ लिख लेते हैं वन प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए होता है, और वन प्लस कॉट स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए होता है, ठीक ना। ये लिख लेते हैं सर्व समीका से, है ना, ये सर्व समीका है ये। आप सेक का इन दोनों को ना साइन कॉस में बदल लेते हैं, तो लिखते हैं एक बटे कॉस स्क्वायर ए बटे वन बटे साइन स्क्वायर ए, है ना।
बटे, अब देखिए क्या करेंगे, इसके बटे भी ऊपर है, बटे में है, इसके मेन बटा के नीचे ही बटा है, तो क्या करेंगे, बाहर बाहर गुणा करेंगे, अंदर अंदर गुणा कर लेंगे। तो जब बाहर इसमें करेंगे तो ऊपर लिखा जाता है, तो लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे, इसका गुणा इसमें करेंगे तो जाएगा कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए दोनों पे घात लिखा है, तो इसको लिख कर एक बार घात ले सकते हैं, साइन बटे कॉस, ये पूरे के घात दो हो गया, तो साइन बटे कॉस क्या होगा, टेन ए, तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर ए हो गया, है ना। तो देखिए बायां पक्ष इस दाएं पक्ष के बराबर आ गया, इस मध्य पद को भी हल कर लेते हैं, तो यहीं हल कर लेते हैं। तो देखिए मध्य पद, तो मध्य पद देखते हैं, देखिए वन माइनस टेन ए बटे वन माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर लिखा हुआ है, क्या करेंगे, टेन और कॉट को साइन और कॉस में बदल लेते हैं, तो लिखेंगे टेन का साइन बटे कॉस मेन बटा वन माइनस कॉस बटे साइन ले सकते हैं, ठीक ना, ये मेन पूरा बटा दो हो गया है, ऐसे घात दो हो गया, इसका लघुत्तम ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए बटे कॉस ए, मेन बटा ये है, ये हो जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए बटे साइन ए, ठीक ना, ये हो गया। अब देखिए इस बटे के ऊपर भी बटा, बटे के बटे नीचे भी बटा, तो बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा, तो इसको देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा साइन ए का गुणा कॉस ए माइनस साइन ए बटे, अब दोनों का अंदर अंदर गुणा कर लेंगे तो लिखेंगे कॉस ए, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक ना, ये पूरा की घात दो लिखा हुआ है। देखिए साइन बटे कॉस क्या हो गया, देखिए पहले सेम नहीं है ये, है ना, ये कॉस पर है साइन, तो यहाँ साइन है तो कॉस है, तो इनका क्या स्थान बदल लेते हैं, तो स्थान बदलेंगे तो देखिए क्या आएगा, एक साइन बाहर आ जाता है ना, ये स्थान बदलेगा, कॉस है यहाँ साइन है यहाँ, तो साइन यहाँ करेंगे कॉस वहाँ करेंगे, तो अपना स्थान बदलने के कारण एक माइनस यहाँ आ जाता है, तो ये हो गया साइन थीटा माइनस थीटा ने ए है तो ए लिखते हैं माइनस कॉस ए बटे, ये हो गया साइन ए माइनस कॉस ए, ठीक ना, पूरे के घात दो हो गया। तो देखिए कोष्टक में सेम ये चीज आ गया, ये तो कट जाएगा, और ए के पूरे घात दो है तो लिखेंगे माइनस साइन ए बटे कॉस ए के घात दो बचा, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए कितना आएगा, देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया, और ये हो जाएगा साइन बटे कॉस, ये होता है टेन होता है, ये हो गया टेन स्क्वायर ए। तो देखिए मध्य पद भी दाएं पक्ष के बराबर आ गया, ठीक ना, ये टेन आ गया, टेन स्क्वायर ए, टेन स्क्वायर ए, तो लिखेंगे बायां पक्ष बराबर मध्य पक्ष बराबर दायां पक्ष, है ना, तो लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक ना, तो इस प्रकार ये प्रश्नावली समाप्त हो गई।